हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अकबर 071। दोस्तों आज हम बात करें क्लीड सब्स वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में, जिसका रीडिंग पॉइंट फिलहाल नहीं है, लेकिन इसको 5 लाख से ज्यादा लोगों ने किया है डाउनलोड। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करता है, इसका सही तरीका क्या है, साथ साथ आपको इससे क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक के बने रहिए दोस्तों, क्योंकि इस एप्लीकेशन का रीडिंग पॉइंट तो नहीं है, लेकिन 27 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ था और 5 मई 2024 को ये अपडेट हो चुका है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आपको अच्छे से सारी जानकारी समझाते हैं, ताकि आप इस एप्लीकेशन को आसानी से यूज़ कर पाए। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे सारी परमिशन के लिए अलाव कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको कर देना है क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक और बार आपको कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो एप्लीकेशन जब तक स्टार्ट हो रहा है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने इस एप्लीकेशन को कहाँ से और क्यों डाउनलोड किया था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे आपसे वो लैंग्वेज पूछता है, हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है इंग्लिश वाली लैंग्वेज। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करके 2-3 बार नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जो लोगों को जानकारी नहीं हो तो सिंपली ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर जाना है नीचे की साइड में। यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, अभी फिलहाल 2 ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप जितना इसको यूज़ करेंगे उतने आपको ऑप्शन यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। सिंपली हमने सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें कितने सारे ऑप्शन आ चुके हैं ऑलरेडी। तो सिंपली इसमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है। यहाँ पे 572 ऑप्शन है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप, तो इनमें से एक पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे हमने क्लिक किया ऑटोमेटिकली कनेक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर में कनेक्टिव भी हो जाता है। इस एप्लीकेशन से आप देखोगे कि आपको सिंपली बैग आने के बाद में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करने के बाद कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी और आपको ओके कर देना है। दोस्तों इस एप्लीकेशन से आपको नुकसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फायदे ही होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और भी बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हो। मुझे नहीं पता आप इससे क्या करना चाहते हो, आई होप कि आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको आगे की जानकारी भी दे दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।